गुड इवनिंग बच्चों, आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 10th क्लास में केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और फिफ्थ चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बिफोर एंटरिंग इन द चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, जो कि हम 9th में वैसे पढ़ के आ रहे हैं। जस्ट फॉर द रिवीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट द चेंजेस। तो व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब भी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता किसी भी प्रोसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर को हमने फ्रीजर में रखा 0 से या 0 डिग्री पर, और उससे कम टेम्परेचर होता है फ्रीजर का, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड वाटर को ही यदि हम हीट कर दें 100 डिग्री सेल्सियस या उस 100 डिग्री सेल्सियस पर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर ही रहेगा। वो वाटर जो उसकी कंपोजिशन है वाटर की, वो वैसी ही रहती है सेम, बस उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाती है, आइस में चेंज हो जाता है या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही मैंने पेपर लिया या वुड लिया और उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए, उन्हें मैंने पीसेस में ब्रेक कर दिया। तो टियरिंग ऑफ पेपर एंड पीसेस बनाना वुड के, ये क्या प्रोसेस है, दिस इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। तो सिंपली वी कैन से फिजिकल चेंज क्या है, जहाँ पर हमें सिर्फ साइज में शेप में चेंजेस नज़र आए, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उससे, सब्सटेंस वही पुराना ही रहेगा, कोई कंपोजिशन नहीं बदलेगी उसकी, तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। बट अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में जब भी हम नोटिस करें कि नया सब्सटेंस बन गया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको हीट करके स्ट्रांगली हमने देखा, तो वो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। या ऐसे ही हम यदि मीथेन या फ्यूल हम LPG जलाते हैं, तो LPG इज हैविंग द रिसोर्स ऑफ आइसोब्यूटेन, तो मीथेन या उसी टाइप का कोई फ्यूल जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और वाटर में, और हमें बहुत सारी एनर्जी देता है। यहाँ पर CO2 की जो क्वालिटी है, जो CO2 की प्रॉपर्टीज हैं और वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन। एक नया सब्सटेंस बन जाता है प्रोसेस के बाद। सेम ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो गया CaO और CO2 में, तो ना तो CO2 की प्रॉपर्टीज और ना ही CaO की प्रॉपर्टीज कैल्शियम कार्बोनेट से मैच करती हैं, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। तो ऐसे प्रोसेस को ही, ऐसे चेंज को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो व्हाट इज केमिकल चेंज, क्या हुआ केमिकल चेंज, वो चेंज जिसमें कि हमें नए कंपाउंड्स बनते हुए नजर आए, नई चीजें बनती हुई नजर आए, नया सब्सटेंस बन जाए, उन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंज। और यही केमिकल चेंज क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो जो मैंने बोर्ड पर लिखा कैल्शियम कार्बोनेट या मीथेन का, मीथेन की रिएक्शन जो चेंज है, वही क्या है, केमिकल रिएक्शन ही कहलाती है। इन केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड पर जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर जा रहा है, वो कहलाता है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पर हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ जो नया सब्सटेंस बना प्रोसेस के बाद, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट हैं वो सब्सटेंस जो हम रिएक्ट प्रोसेस से पहले के हैं,
और जो प्रोसेस के बाद आ रहा है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। एक केमिकल चेंज में हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट को राइट साइड पर लिखते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि दोनों आपस में मैच ना कर रहे हों, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हों, नए रिएक्टेंट्स नए प्रोडक्ट बना रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज, जिसे ही हमने क्या नाम दिया है, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कहीं पर, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसे देखने के लिए हमें चार चीज़ें, चार जगह हमें दिखाई देगा वो होते हुए, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे कि फर्स्ट, या तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो उस सब्सटेंस के, या तो फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि आइस भी बनी थी वाटर से, तो वो भी फिजिकल स्टेट में बदल रहा था, चेंज हो रहा था, बट दैट इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर फिजिकल स्टेट में चेंज होने का मतलब है कि एक नया सब्सटेंस बनने के बाद उनमें एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज अराइज हो रही हैं, और साथ साथ उनमें फिजिकल स्टेट में भी बदल रहे हैं वो। जैसे कि अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, तो वो सॉलिड स्टेट में था, और बाद में रिएक्शन के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इट इज इन द गैसेस फॉर्म। ऐसे जिंक की जब हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिक्विड होता है, जिंक मेटल जो हमने लिया वो सॉलिड फॉर्म में है, एंड जब रिएक्शन हो जाती है तो जिंक सल्फेट, जिंक जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाता है, इट फॉर्म जिंक सल्फेट, एंड साथ में H2 गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वो गैसेस फॉर्म में है। गैस को हम एरो से या फिर जी लिखकर भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट बदल रही है इन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, जिन्होंने अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर ली प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद। नाउ सेकेंड, कहाँ पर आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सेकेंड हो सकता है कि वहाँ कलर चेंजेस आ रहे हों। कलर चेंज हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर के जितने सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं और उनका कलर ब्लू कलर का होता है। तो जब हमने इसे हीट किया कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स को, तो वो वाइट कलर में हीट होने के बाद चेंज हो जाता है वाइट कलर में, जो कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसमें से वाटर निकल जाता है। सेम ऐसे ही आपको कलर चेंज दिखाई देगा FeSO4 को जब हीट करते हैं, तो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन उसमें कलर चेंजेस दिखाई देते हैं, दोनों के कलर में डिफरेंस है। तो इस टाइप के चेंजेस यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, देन वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। थर्डली हम कह सकते हैं कि कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, वो भी केमिकल चेंज का एक नोटिसेबल पार्ट है। तो थर्डली क्या हो सकता है किसी केमिकल प्रोसेस में, गैस का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी एक सिंबल नोटिसेबल पार्ट है केमिकल चेंज का। जैसे अभी हमने जिंक की रिएक्शन लिखी थी, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, जिंक मेटल इज एडेड इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है उसका इवोल्यूशन हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने रिएक्ट किया HCl के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन की HCl के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट चेंज हो जाएगा NaCl में, वाटर बनेगा, और साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस नजर आता है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि H2 गैस जो है वो हमेशा बबल करके निकलती है, बबलिंग से निकलती है, और CO2 गैस का जो इवोल्यूशन है वो हमें दिखाई देता है इफर्वेसेंस से। जैसे आप इनो में पानी डाल दें तो झाग बनती है, वो क्या है, CO2 गैस का निकलना। ऐसे ही H2 गैस जो है वो
छोटा छोटा बबल्स निकलेंगे सॉल्यूशन में से। इन्हें हम चेक कैसे करते हैं? ये चेक होता है बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर। एक जलती हुई माचिस की तीली आप लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के पास। तो जब हम बर्निंग स्प्लिंटर लेके आते हैं उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें से हाइड्रोजन गैस या CO2 गैस निकल रही है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड करके जल जाती है, क्योंकि ये कम्बस्टिबल है। हाइड्रोजन गैस जल जाती है, कम्बस्टिबल पार्ट है। और CO2 क्योंकि ना तो जलती है और ना ही जलने में हेल्प करती है, तो जो बर्निंग स्प्लिंटर हम लेके आएंगे उसके माउथ पर दैट विल एक्सटिंग्विश, वो बुझ जाएगी। तो प्राइमरी जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि CO2 का आप एक तो देखिए कि इफर्वेसेंस निकल रही है और हाइड्रोजन में बबलिंग हो रही है। सेकेंडली आप पॉप साउंड का टेस्ट करोगे हाइड्रोजन के लिए, और CO2 का जो है वो एक टेस्ट तो ये भी कर सकते हैं कि एक्सटिंग्विश हो जाती है स्प्लिंटर, या फिर आप इस गैस को क्या करेंगे लाइम वाटर में से पास करेंगे। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है उसमें जब हम CO2 पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट विल टर्न मिल्की, मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा कलर देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो ये टेस्ट हम कर सकते हैं देखने के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकली है या CO2 गैस निकल रही है, और जहां पर ये प्रोसेस हो रहा हो, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा हो या किसी और गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो इसी टाइप से, वो प्रोसेस क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी।